असम में होने वाले 7वें राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में भाग लेने के लिए आज पटना से गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार के खिलाड़ी रवाना हुए। इस मौके पर गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष जगजीवन सिंह पटना जंक्शन पर पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने उन्हें विदा किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब बिहार के खिलाड़ी हैं और असम में अपना जलवा दिखाने जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि असम में बिहार का यह खिलाड़ी परचम लहरा कर आएंगे और बिहार के लिए मेडल जरूर लेकर आएंगे। बच्चे हमारे मतलब देश के भविष्य हैं और उनके भविष्य मतलब कामना करते हुए इनको आशीर्वाद देते हैं कि वहाँ से अवार्ड जीत जाए। वहाँ से वहीं इस मौके पर गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार के जनरल सेक्रेटरी भोला थापा ने कहा कि खिलाड़ियों में काफी उत्साह है और जिस तरह की तैयारियां खिलाड़ियों ने की है, हमें पूरी उम्मीद है कि असम में बिहार का जलवा दिखाते हुए ये खिलाड़ी बिहार के लिए कई पदक लाने का काम करेंगे। इस मौके पर गटका एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष जगजीवन सिंह, सचिव भोला कुमार थापा, संयुक्त सचिव उमेश सिंह, कोच रुद्र कुमार एवं अमन पुष्पराज के साथ कई खिलाड़ी मौजूद थे। और बच्चे लोग को विदाई दे रहे हैं और बच्चे लोग भी हौसला है बर्सा के लिए कुछ मेडल ला करके और बिहार का नाम रोशन। आसाम के बाद की फिर कहाँ की तैयारी? इसके बाद हम देखा दुआ कर दिया 37 नेशनल गेम है वहाँ पर तैयारी किए इसके लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत मेडल मेरे पास आ जाए तो उसका और मेहनत करा दी। बच्चे का उत्साह देख कर लग रहा है कि इस बार आसाम में जलवा दिखेगा बिहार जी। इसके लिए तो है अभी ऐसा नहीं है बच्चे लोग तो पूरा हौसला है कुछ मेडल लाएँ और बिहार कभी पीछे नहीं है। बिहार हर चीज आगे है गेम आज भी हो जाएगा कल भी उसी को लेंगे गेम मेडल आते हैं जो।